भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर बड़ी दुर्घटना टल गई। बीएसपी में उत्पादन के दौरान अचानक कोक ओवन बैटरी की दो जर्जर कन्वेयर बैटरी टूटकर गिर गई। इससे कोक बनाने की प्रक्रिया ठप हो गई और इस्पात का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। बीएसपी प्रबंधन घटना के कारणों की जांच कर रहा है। यहां के कर्मचारियों का कहना है कि गैलरी जर्जर थी, प्रबंधन भी इसे खतरनाक मानते हुए मरम्मत कार्य कर रहा था, तभी रात में गैलरी गिर गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र में उस समय फिर बड़ा हादसा टल गया जब दो कोक ओवन बैटरी टूटकर गिर गई। इस हादसे में किसी कर्मचारी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। हालांकि बीएसपी ने लॉकडाउन अवधि में इस्पात उत्पादन को कम कर दिया था। इसके चलते कोक ओवन बैटरी क्रमांक 5 का उत्पादन मार्च में बंद कर दिया गया था। मौके पर फायदा उठाते हुए प्रबंधन ने बैटरी का मरम्मत कार्य शुरू कराया है। खराब हो रहे सामान को बदलने का सिलसिला शुरू हुआ है। महत्वपूर्ण सामान बदल दिया गया है। करीब 6 माह तक नवीनीकरण का कार्य चला और उसके बाद अब फिर से उत्पादन शुरू कर दिया गया है। एक तरफ इस्पात संयंत्र के विस्तार की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी ओर 6 दशक पुराने संयंत्र की पुरानी अधोसंरचना अब जर्जर हो चुकी है। आए दिन इसकी वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले दिनों संयंत्र में इस तरह की दुर्घटना में कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र को बरकरार रखने के लिए इसकी पुरानी मशीनरी और सिस्टम का पूरी तरह नवीनीकरण बेहद जरूरी हो गया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।